सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास साहब में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, क्लास 8 तक के स्कूल फिर से बंद हो गए हैं, 4 अप्रैल तक छुट्टी हो गई है। साथियों, अब आपको क्या करना है, आपको कहीं घूमने फिर, क्योंकि पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जिन जनपदों में प्रथम चरण में मतदान है वहाँ पर प्रशिक्षण की भी तैयारी चल रही है। साथियों, हर जनपद में केवल एक ही चरण में मतदान होना है, इसीलिए इस चीज़ की संभावना बहुत है कि सबकी ड्यूटी लगेगी, हर शिक्षक की इसमें ड्यूटी लग सकती है, तो इसीलिए आपको प्रशिक्षण के लिए तैयार रहना है। ये देखिए, ये हमारे जनपद का कार्यक्रम जारी हो गया है, हाथरस जनपद का। यहाँ पर PO एवं PO1 इनके प्रशिक्षण 3 और 4 अप्रैल को होने हैं। साथियों, अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रशिक्षण में हमको क्या क्या बताया जाएगा। पीठासीन P1, P2, P3 कौन कौन हो सकते हैं और हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी चुनाव के दौरान, इन सब चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सामग्री हमको मिलती है और हमें किस तरीके से कार्य करना है। साथियों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टीम में कौन कौन होता है। सबसे पहले पीठासीन अधिकारी, जो कि मतदेय स्थल या बूथ के प्रभारी होते हैं। उसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी, जो निर्वाचन नामावली के चिन्हित प्रति एवं अमिट स्याही के प्रभारी होते हैं, यानी कि जो हमको वोटर लिस्ट मिलेगी उसके प्रभारी होते हैं और स्याही के प्रभारी होते हैं। द्वितीय मतदान अधिकारी, जो मतपत्र एवं एरो क्रॉस सील के प्रभारी होते हैं। और तृतीय मतदान अधिकारी, अब हम देखते हैं मतदान प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं। मतदान दल के गठन के बाद के कार्य, यानी कि जब मतदान दल का गठन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या क्या कार्य करने हैं। पोलिंग पार्टियों के रवानगी के दिन के कार्य, यानी जिस दिन पोलिंग पार्टियां रवाना होनी है उस दिन उनको क्या क्या कार्य करने हैं। पोलिंग पार्टियों के बूथ पर पहुंचने के कार्य, मतदान दिवस पर मतदान शुरू होने के पूर्व कार्य, मतदान शुरू होने पर किए जाने वाले कार्य, मतदान के दौरान आने वाली विभिन्न स्थितियां, मतदान समाप्ति पर किए जाने वाले कार्य, पोलिंग पार्टी के कलेक्शन सेंटर पर वापसी पर किए जाने वाले कार्य, यानी कि हमें गठन से पहले क्या कार्य करने हैं, बूथ पर पहुंचने पर क्या कार्य करने हैं, बूथ पर पहुंचने के बाद क्या कार्य करने हैं, चुनाव के दौरान क्या कार्य करने हैं, चुनाव के बाद हमको क्या कार्य करने हैं, इन सब चीज़ों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका प्रशिक्षण होगा, उस प्रशिक्षण में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, मतदान प्रक्रिया की पूरी जानकारी लेना, बैलेट बॉक्स खोलने सील करने के तरीके को सीखना, जहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि जो बैलेट बॉक्स है उसको कैसे खोलना है और कैसे उसको सील करना है, मतपत्र लेखा और पीठासीन अधिकारी की डायरी आपको कैसे भरनी है, मतदान समाप्त होने के बाद मतदान सामग्रियों को जमा करने हेतु सांबदिक एवं असांबदिक लिफाफों को तैयार करने की जानकारी। साथियों, हमको दो तरीके के लिफाफे मिलेंगे, सांबदिक और असांबदिक, उन लिफाफों को हमें कैसे तैयार करना है। पोलिंग पार्टियों के रवानगी के एक दिन पूर्व के कार्य, पोलिंग पार्टियों के रवानगी के समय किए जाने वाले कार्य, निर्धारित विकास खंड पर सुबह 8 बजे तक पहुंचना, डिस्प्ले के माध्यम से अपने मतदेय स्थल सेक्टर मजिस्ट्रेट वाहन आदि का जानकारी प्राप्त करना, निर्धारित काउंटर से सामग्री प्राप्त करना, सामग्री को चेक करना, चेक लिस्ट के अनुसार सामग्री प्राप्त करना। तो हमें क्या करना है कि 8 बजे तक हमें ब्लॉक स्तर पर पहुंच जाना है, वहां से अपने पार्टी और बस के बारे में जानकारी कर लेनी है कि किस बस में बैठना है हमको, और काउंटर से हमको सामग्री लेनी है और उस सामग्री का चेक लिस्ट के साथ मिलान कर लेना है। सबसे पहले हमें मतदाता सूची का मिलान कर लेना है, वोटर लिस्ट देख लेनी है। ये चिन्हित प्रति होती है, चिन्हित प्रति का मतलब है इस पर साइन वगैरह होते हैं, इसीलिए इसको हम चिन्हित प्रति बोलते हैं, ये आप देख लेंगे। इसके बाद आपको मतपत्र मिलेंगे, आप मतपत्र को देख लेंगे।
एरो क्रॉस सील, आप एरो क्रॉस सील को देख लेंगे। आपको साथ के साथ चेकलिस्ट से संख्या का भी मिलान करना है कि आपको कितनी सामग्री मिल रही है। आगे हम देखते हैं, ये स्टंप की स्याही है, इसकी भी संख्या देख लेंगे कि एक मिल रही है, दो मिल रही है। तो हम इस तरीके से चेकलिस्ट से हम इसका मिलान करते हुए जाएंगे। उसके बाद ये अमिट स्याही, इसका भी देख लेंगे। संख्या का भी ध्यान रखना है हमको कि ये चीज़ें हमें कितनी संख्या में मिल रही हैं। साथियों, जो हमें सांबदिक और असांबदिक लिफाफे जो मिलेंगे वो चार प्रकार के होंगे। हर लिफाफे में अलग अलग सामग्री रखी जाएगी। एक होगा हल्के नीले रंग का, एक लिफाफा होगा पीले रंग का, इसमें अलग सामग्री रखी जाएगी। और ये तीसरे नंबर का लिफाफा है, इसमें अलग सामग्री रखी जाएगी। और ये चौथे नंबर का लिफाफा है, इसमें अलग सामग्री रखी जाएगी। तो साथियों, अपने अगले वीडियो में हम बताएंगे इन लिफाफों का प्रयोग हमें कैसे करना है और P1, P2, P3 पीठासीन की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उनकी क्या क्या कार्य हैं। तो हम अगले वीडियो में इन सभी के अलग अलग कार्यों को और दायित्वों को देखेंगे।